नमस्कार नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि का प्रसिद्ध ये पद्य संग्रह है जिसको गीति काव्य में विद्वानों ने गिना है नीति शतक को आ, आधार बनाकर हम पहले दो व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं सी सी के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और नीति शतक का यह तीसरा व्याख्यान है जिसमें हम श्लोक चार पांच छ सात आठ जितने भी हम इसको आपके सामने रख सके व्याख्या हिंदी व्याख्या अंग्रेजी व्याख्या और व्याकरण जो श्लोक को समझने के लिए हमारे जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक विद्यार्थी है उनके लिए ये उपयोगी होगा तो आइए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था जो मंगलाचरण है जैसे भर्तृहरि के बारे में विद्वानों का मत है कि वे शैव थे वैदिक मतावलंबी थे तो उन्होंने परब्रह्म की प्रार्थना की है दिकाद्यनबिन्ना चिन्मात्र मूर्त ये नमः कमाय नम शांताय तेज परब्रह्म जो शांत तेज है और स्वानुभूति एक मान है यानी अनुभूति ही जिसका प्रमाण है अनुभूति के द्वारा ही जो जाना जाता है ऐसा फिर विशेषण प्रथम और द्वितीय चरण में जो एक समस्त पद है दिक कालाद्यनविन्न दिक्क माने दिशाएं दस दिशाएं मानी जाती है काल तीन काल आप कह सकते हैं और आदि से बाकी जितने भी पदार्थ है ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब उससे अनवच्छिन्न छिन्न माने अलग अनवच्छिन्न माने संयुक्त माने सब में जो मिला हुआ है जिसको हम अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट ओमनी साइट बोलते हैं ऐसा सर्वत्र विद्यमान जिसको हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं और अनंत है जो अंत नहीं है और चिन्मात्र मूर्ति है यानी वो साकार निराकार बहुत बड़ा प्रश्न है सब विद्वान लोग इसके बारे में बहुत चिंतन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित में साकार और निराकार की बात कहते हो कि वो साकार भी है बिनु पद चले ही सुना ही बिनु काना ऐसे करके कहते हैं और वो निराकार कोई आकार नहीं भी है ऐसे तो चिन्ह मात्र चेतना मात्र मूर्ति शक्ति मात्र कॉस्मिक पावर के रूप में वो विद्यमान है ऐसे तेज की उन्होंने यहां वंदना की है और उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वाक्य उसमें भी वो परब्रह्म की प्रार्थना करते हैं इसलिए उनको शैव मानते हैं और ये हम श्लोक समझ चुके हैं माई सेल्यूटेशन टू द पीसफुल लाइट हुज फॉर्म इज ओनली प्योर इंटेलिजेंस अनलिमिटेड एंड अनकंडीशन बाय स्पेस टाइम एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ नोइंग विच इज सेल्फ परसेप्शन इस प्रकार से अब हम आगे बढ़े दूसरा श्लोक हमने जो कि जो कि काफी सारे प्रकाशन हमको मिलते हैं उसमें कहीं वो श्लोक है कहीं नहीं है याम चिंतयामि सततम मई सा विरक्ता साप्यन्य जनमिछति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च ये बहुत प्रसिद्ध है जिसमें रानी पिंगला के कारण इनको जो वैराग्य होता है और पूरी कहानी तो मैं पहले कई बार आपके सामने रख चुका हूं और उसके बाद यज्ञ अज्ञा सुखतरम तर आराध्या ऐसे करके तीसरा श्लोक जो आपके सामने मैं इससे पहले वाले व्याख्यान में रख रख चुका हूं और शतक में सौ या एक सौ दस श्लोक जैसे विद्वान मानते हैं तो उनको जी ने दस पद्धतियों में बताया है यानी पहली पद्धति मूर्ख पद्धति दूसरी विद्वत पद्धति तीसरी मान शौर्य पद्धति चौथी अर्थ पद्धति उसके बाद परोपकार पद्धति धैर्य पद्ध, पद्धति छठी सातवी दुर्जन पद्धति आठवीं सूजन पद्धति नौवीं दैव पद्धति दसवीं कर्म पद्धति तो ये पद्धति मैंने शैली या स्टाइल आप कह सकते हैं तरीका रीति उसमें उन्होंने क्योंकि तो मुक्तक है ये कोई आ, महाकाव्य जैसे किसी कथा को कहानी को लेके महाकवि लोग जिसकी रचना करते हैं तो उसकी बजाय एक एक श्लोक अपने आप में महाकाव्य ऐसा हम कह सकते हैं तो जैसे पहले दस बारह श्लोक मूर्ख पद्धति के बारे में न मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है उसको कोई समझा नहीं सकता है वो कितना भी करे तो कोई लोगों की बात नहीं मानता इस तरह से विभिन्न भाव को भर्तृहरि जी ने प्रकट किया है दूसरी पद्धति विद्वत पद्धति विद्वान विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं उनसे क्या लाभ है उनके संघ का क्या लाभ इस तरह से है और चाणक्य जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र के रचयिता विद्वान उन्होंने विद्वत्व चुपत्व च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध लोग बोलते हैं इसको सुनते हैं कि विद्वत्व माने वैदुष्य इंटेलिजेंस वाइजनेस और नृपत्व माने राजा किंग किंगशिप ये दोनों अगर हम तुलना करें कि एक विद्वान है एक राजा है तो नैव तुल्यम कदा ये बराबर कभी नहीं हो सकते क्यों कि स्वदेशे पूज्यते राजा राजा की पूजा राजा का सम्मान राजा का आदर अपने ही देश में होता है लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्य थे जो वाइज पर्सन है स्कॉलर है इंटेलिजेंट है वो जहां भी जाएगा अपने गुण के कारण अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसकी पूजा होती है तो इस तरह से विद्वत पद्धति में बहुत सारे श्लोक हमको पृथ्वी जी के मिलेंगे और मान शौर्य पद्धति मान माने सेल्फ रेस्पेक्ट सम्मान शौर्य वीरता इसके बारे में उन्होंने बताया है, फिर अर्ध अर्थ पद्धति में धन के बारे में बताया है, यानी जो भौतिक ऐश्वर्य है संपत्ति है ये कितनी महत्वपूर्ण सर्वे गुणाकांचन आश्रय जनते ऐसे कह के वो उस बारे में कहा है परोपकार पद्धति में दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना इस बारे में क्या क्या खूबियां और विशेषता है उसको कहा है धैर्य पद्धति करेज व्यक्ति धीर हो इसके बारे में उन्होंने कहा है। फिर दुर्जनों पर मूर्ख अलग है दुर्जन अलग है मूर्ख माने ना समझ दुर्जन माने दुष्ट जिसका स्वभाव है दूसरों का बुरा करना तो वो कैसे होते उसका बताया है सुजन माने सज्जन पुरुष जो साधु है साधु की महिमा तो सभी महापुरुषों ने गाई है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत साधुओं के बारे में कहा नवनीत समाना कहा मक्खन की तरह होते हैं मैंने इतने नाजुक इतने सरल होते हैं तो सूजन पद्धति में दैव पद्धति में भाग्य के बारे में बताया है कि व्यक्ति को अपने भाग्य पर आ, कितना मान और आधार होना चाहिए और उसके बाद कर्म पद्धति माने एक्शन कार्य तो कर्म और भाग्य दोनों का वैसे तो अल्टीमेटली उन्होंने संतुलन किया है लेकिन दैव पद्धति में भाग्य को सराहा है और कर्म पद्धति में हमारा जो पुरुषार्थ है कर्म है उसको सराहा है तो इस तरह से आ, मैं पहले भी कह चुका कह चुका हूं कि नीति शतकम जो है गीति काव्य में और उसका गीति काव्य का लक्षण अग्नि पुराण में हमको मिलता है मुक्तक काव्य का स्वरूप है ये नीति शतक जिसमें मुक्तकम श्लोक एक, एकम, एक एक श्लोक जो है मुक्तक फ्री मैंने अपने आप में वो एक काव्य का भाव लेके है चमत्कार जो सज्जन लोग हैं उनके लिए वो चमत्कार भाव का चमत्कार और उसमें अर्थ की गंभीरता ये सब मिलेगा तो इसका लक्षण है जो आप विद्यार्थियों के लिए बहुत सहायक होगा आइए अब चौथा श्लोक लेते हैं जो आज का हम विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे प्रसह्य मणिमुरे मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् चल दूर्मि मालाकुलम् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल मालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपि शिसी पुष्पवारयत भुजंगम कोम शिशि पुष्पवेत न तो प्रतिनिवेष्ट मूर्ख जन न तो ये छंद बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा इसको हम इस तरह से समझेंगे कि मणि जो डायमंड है वो मकर माने मगरमच्छ के वक् माने मुख उसमें जो डाढ़ है द्रंश माने डाढ़ उसके अंतरात उसमें घुसा हुआ है उसको भी प्रसह्य माने जबरदस्ती से हम क्या उद्धरित हम निकाल सकते हैं और दूसरी उपमा दी उन्होंने कि प्रचल दूरमी मालाकुलम समुद्र में संतरित जिसमें बड़े बड़े मतलब जो है उर्मिया तरंगे आ रही हो वैसे तरंगायित समुद्र को भी हम तैर सकते हैं और गुस्सा वाला जो सर्प है भुजंग उसको अपने सिर पर धारण कर सकते हैं ये तीन उपमा देने के बाद चौथे में कहते हैं न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधित जो प्रतिनिविष्ट धातु के बाद प्रति और नींद उपसर्ग लगा गया प्रतिनिविष्ट माने जो हठी है जो इतना हठाग्रही आग्रही अपनी बात को ही सही कह रहा है कि मैं ही ठीक हूं ऐसा मानने वाला जो मूर्ख है ना समझ है ऐसे व्यक्ति के चित्त माने हृदय को ना किंतु लेकिन ऐसे व्यक्ति के चित्त को न आराध्य उसको हम नहीं समझा सकते उसको अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं अब हम इसके बारे में हिंदी अर्थ जो हमको मिलता है अगर हम चाहें तो मगरमच्छ के दांतों में फंसे मणि को भी निकाल सकते हैं साहस के बल पर हम बड़ी बड़ी लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकते हैं यहां तक कि हम गुस्सेल सांप कोपितम भुजंगम गुस्सेल सांप को भी फूलों की माला की तरह अपने सिर पर पहन सकते हैं लेकिन एक मूर्ख को सही बात समझाना असंभव है उसको हम नहीं समझा सकते हैं और इसी को बहुत सारे इंग्लिश में विथ करेज वी कुड एक्सट्रैक्ट द पर्ल पर्ल या डायमंड जो भी आपका है स्टक इन बिटवीन क्रुक्ड टीथ ऑफ क्रोकोडाइल वी कुड सेल अक्रॉस एन ओशन दैट इज टॉर्मेंटेड बाय यूज वेव्स वी मे यू एन बी एबल टू वियर एन एंग्री स्नेक ऑन आवर हेड एज इफ इट वर ए फ्लावर हाउ इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एन ऑब्स्टिनेट फूल जो हठी है दुराग्रही है उसको हम नहीं कर सकते अब केवल सरलता के लिए जिससे कि छात्र लोग परीक्षा में शब्द विच्छेद कैसे करना उसको समझ सके जो शब्द संधि के साथ है जैसे मणिमुद्धरित तो मणिम जमा उद्धरित उ में मिल जाएगा मणिम हो जाएगा और उद्धरित के बाद मकर शब्द है तो त उसका पर सवर्ण होने की वजह से न बन जाएगा उद्धरेन मकर द्र मकर और में समास हो जाएगा मकर द्रंश्ट, द्रंश्ट को बोलते और बोलते हैं मगरमच्छ के दांत और डाढ़ इतने मजबूत और इतने एक तरह से तीखे तराशे हुए होते हैं कि उसमें कोई शिकार फंस जाए फिर वो टूट के ही निकल सकता है कोई जिंदा नहीं बच, बच सकता है और अंतरम द्रंटांतरम अंतरम माने बीच में और उसके बाद दूसरा शब्द है समुद्रम अपि अच्छा पहले शब्द को मैं पूरा अब आप आपके सामने रख देता हूं मणिमुद्धरे मकर ये पूरा शब्द आपका बनेगा समुद्रम अपी समुद्रम अपि उसके बाद तीसरा शब्द जो हम संधि विच्छेद करेंगे प्रचल भी कुलम तो प्रचलत चल धातु का पूर्वक क्षत्रि प्रत्यय नपुंसकलिंग वाला रूप है प्रचलत प्रचलन प्रचलत प्रचल प्रचलंती और प्रचलंतम प्रचलती प्रचलंती प्रचलंती फिर प्रचलता प्रचलत भ्याम इस तरह से रूप चलेगा तकारांत नपुंसकलिंग है ऊर्मी तरंग को बोलते हैं वेब्स को और माला माने लगातार तरंगे आए समुद्र का जैसे टाइड्स उसके ज्वार भाटा में जो तरंगे ऊंची ऊंची उठती है उत्ताल तरंग जिसको हम बोलते हैं आकुलम उससे समुद्र एकदम बहुत ही बड़ी-बड़ी लहरों वाले समुद्र को भी हम तैर सकते हैं तैरा जा सकता है भुजंगम अपि भुजंग शब्द और अपि भुजंगम अपि और उसके बाद वाला शब्द है पुष्पवत धारा वाराएत त का द हो जाएगा पदांत होने से और पुष्पवद धारयित संयुक्त तो हो जाएगा चित्त आराधयित चित्तम आराधयित चित्त शब्द वैसे भी चित्त प्र है आराधयित अब इसमें मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं वो है कि आपने पहले तीनों जो पहली पंक्तियां हैं उसमें उद्धरेत, संतरेत और धारयेत ये तीनों विधिलिंग धातु के रूप की है और चौथे में आराध तो ये कैसे बनेगा इसको समझने के लिए उद्धरेत में ध्री धातु है ध्रिंग अवध्वंसने वादी धातु कर्तरी प्रयोग है परस्मयपदी धातु होगी लेकिन यहां पदी है लेकिन ये धातु उभयपदी आत्मनिपद में भी चलेगी और परस्मय पद में भी चलेगी और, और अनिट है यानी इट नहीं होता है इसमें और लट लकार में चलेगा रूप आपके सामने है स्लाइड पे धरती धरता धरमती धरसी धरथा धरथ धरामी धरावा धरामा ये तो हो गया लटलकार का रूप अब यहां धरेत है तो इसको मैंने अभी एक पुस्तक के अनुवाद के कार्य में विभिन्न साइट्स में देख रहा था उसमें मुझे ये साइट मिली है संस्कृत अभ्यास डॉट इन इसको गूगल पर आप अगर सर्च करेंगे तो ये ऐसी दृश्यवाहिनी है दृश्यवाही वेबसाइट जिसमें आपको प्रत्येक धातु के प्रत्येक लकार का रूप मिल जाएगा ऑनलाइन और प्रत्येक अजंत पुलिंग अजंत स्त्रीलिंग अजंत नपुंसक लिंग जो शब्द है उन शब्दों के रूप भी आपको मिल जाएगा धातु रूप और शब्द रूप और क्या चाहिए संज इत परम किय इच्छा महा यदि शब्दा रूपाणी सारल्य में अस्म चेत वयम तेषाम शब्दानाम उपयोगम कर्तुम करतुम शक्व मया विशेषेण अत्र पट्टिकायामित इतना संस्कृत अभ्यास डॉट इन आप जाके देखे आपको बहुत मदद मिलेगी संस्कृत के छात्रों संस्कृत के अध्येताओं के लिए तो उससे मैंने फिर ये धातु का रूप ढूंढा और उसमें ये विधिलिंग का रूप है धरेत धरेताम धरेयु धरे धरे धरेत धरेयम धरे व धरे म और अन्य पुरुष एक वचन में धरित धरित विकल्प से जस्टवाने पर धरित धरित हो जाएगा तो ये उपसर्ग लगाएंगे तो उद्धरे इसी तरह से आप लोग और रूप जैसे तरेत है संतरित समुद्र में संतरित तो त्रिप्लवन तरण यो ये धातु है व्हाद की प्रयोग है विधि लिंग में कैसे रूप बनेगा ये परस्मर प्रतिषेध धातु है अन्य पुरुष में तरे 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 ताम तरे युतिनो तीनों वचनों में तरे तरे तम तरे त तरे यम तरे व तरे म सिर्फ इसलिए कि आपका अभ्यास हो धातु के रूप के बारे में और इसी तरह से कुछ धातुओं का आप अभ्यास करेंगे यदि भवंता अभ्यासम कुर्वन्ति चेत सरलतया अन्यषा श्लोका नाम पद्या नाम, आ, अर्थम अनुवादम च सरलतः कर सक्षमती मैं अत्र ऐसा वाहिका अः समम उपस्थापिता अस्त लकार के रूप इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे केवल आपको लिखना है जैसे कि भू धातु का रूप आप गूगल पर टाइप करेंगे या आप अंग्रेजी में भी करेंगे तो मेरे ख्याल से मिल जाए अंग्रेजी में तो मैंने नहीं किया मैंने देवनागरी में ही किया है और उसके बाद ये संस्कृत अभ्यास संस्कृत अभ्यास डॉट इन करके साइट आएगी उसमें आपको विकल्प मिल जाएंगे सारे एक बार करके देख लीजिए अब हम देखेंगे शब्दान्वय यानी हमने श्लोक पूरा बोला उस श्लोक को तो पद्य है पद्य में हमें सरलता रहती है कि कवि अपने भावानुकूल शब्दों को क्रिया को कैसे इकट्ठा करके रखता है लेकिन उसको अन्वय जब हम करते हैं यानी गद्य रूप देते हैं समझने के लिए तो हमारी सामने रूप आता है मकर दंष्ट्र अंतरात मणिम प्रसह्य उद्धरेत प्रसह्य पहले था यहां प्रसह्य लास्ट बटवन हो जाएगा मकर वक्त दंष्ट्र अंतरात मणिम प्रसह्य उद्धरेत उसके बाद प्रचलत उर्मी माला आकुलम समुद्रम अपि संतरित क्योंकि क्रिया लास्ट में आएगी गद्य में जैसे कि ब्राह्मण विद्यालय गच्छती तो गच्छती बाद में आते तो उद्धरित संतरित धारयित आराधयित ये क्रिया चारों लास्ट में आ रही है तो दूसरी पंक्ति में प्रचलत उर्मी माला आकुलम समुद्रम अपि संतरित और वहां हमारे पास क्या था समुद्रम अपि संतरित प्रचलत उर्मी माला आकुलम ऐसे लाइन थी में श्लोक में इसी तरह तीसरी लाइन है कोपितम भुजंगम अपि शिशी पुष्पवत धारयेत धारण किया जा सकता है गुस्सा किया हुआ भुजंग सांप भी शिविर सिर पर फूल के समान यह सब हो सकता है तू किंतु लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत लेकिन जो हठी दुराग्रही समझ व्यक्ति है उसके हृदय को उसके दिल को उसके मन को नहीं समझाया जा सकता है इसलिए जो आपको उसमें पुल्लिंग शब्द कैसे वो मुझे मिला है और आपके सामने मैंने रखा कोई भी शब्द है उसका रूप कैसे चलेगा जो नाउन है तो मकर शब्द एक मैंने लिया मकर शब्द अकारांत पुल्लिंग है अब इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन और प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति सरल मकर 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 मकरान मकरेण मकर मकर मकराय मकर मकर पंचमी में मकरात मकरात विकल्प से उत्त हो जा मक्रभ्याम और पंचमी में मकर षी में मकर से मकर यो सप्तमी विभक्ति में मकर मकरयो मकरेशु संबोधन में हे मकर हे मकर हे मकराहा तो ये उसी साइड से आपको मिल जाएगा बहुत लाभ होगा अब हम पांचवा श्लोक लेते हैं लभेत सिलमता पीड़यन पिबेच मृग तृष्णिकासु सलि पिपा सादि पर्यटन छश विषाण न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन अंतिम पंक्ति वही आप देखिए प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमहा था आराध यहां भी यही है किंतु पहले तीन पंक्ति में पुनः वो विधिलिंग का प्रयोग करके उन्होंने कहा लभेत सिकता सुसिकता माने जो बालू है रेती है उसमें से तैलम अपी बालू तेल निकालना बालू में से तेल निकल सकता है हो सकता है पॉसिबल है यत्न तथा पीड़यन बहुत कोशिश की जाए तो और मृग माने जो मृग है देखने में जिनको मरीचिका बोलते हैं जिसको मृगजल बोलते हैं उसमें भी सलीलम पानी जो पिपासार्दित है प्यासा है वो पी सकता है पिबे च कदाचित घूमते हुए इधर उधर खरगोश के सिंह भी मिल सकते हैं शश विषाणम इधर उधर से मिल जाए ये तीनों असंभव है लेकिन हो सकता है लेकिन इन तीनों से ज्यादा असंभव है न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयित मूर्ख व्यक्ति के हृदय को हम किसी भी तरह समझा नहीं सकते हैं अब इसका मैं शब्द विच्छेद करूं तैलम अपी तैलम अपी पिबेत चिबेत जमा च कदाचित कदाचित पर्यटन शश तो पर्यटन हो जाएगा विषाणम आसादयित विषाणम आसादयेत विषाणमा चित्तम आराधयित पहले हमने देखा इसी तरह से और शब्दान्वय इसको वैसे ही करेंगे यत्नता पीड़यन गद्य के रूप में करना है अन्वय तो यत्नतः पीड़यन सिकतासु तैलम अपि लभेत पहले था तो क्रिया में हो गई च पिपासा अर्दिता मृगतृष्णिकासु सलील पिबेत कदाचित अपि शश विषाण आसादत तो प्रतिनिवेश मूर्खजन विचित न आराधयेत इस प्रकार से शब्दान्वय हुआ चूंकि हमारे इस व्याख्यान का समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी बात यही पूरा करूंगा व्याख्यान तीन भाग दो में आगे में इसको ले जाऊंगा धन्यवाद नमस्कार